बॉलीवुड इंडस्ट्री में वेटरन एक्ट्रेस आशा पारी करोड़ों की संपत्ति की आज भी अकेली मालकिन है। ताउमर कुंवारी रहने वाली इस अभिनेत्री का दर्द कोई नहीं जानता। 80 की उम्र को पार करने के बाद आशा पारीक जिस तरह से गुजार रही हैं अपनी जिंदगी, क्या आपको मालूम है ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से लेकर रंगीन दुनिया तक काम करने वाली आशा ने जिंदगी भर खुद को अकेला रखा। एक शादीशुदा डायरेक्टर के प्यार में पड़कर वो कभी शादी के सपने नहीं सजा सकी। फिल्मेकर नाजीर हुसैन थे जिन्हें लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर ना आशा ने क्लियर तरीके से हमेशा दिया। उन्होंने कहा, शी वॉज वेरी क्लियर इन हर हेड। वो शुरुआत से जानती थी कि उन्हें जिंदगी भर का ये साथ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा था, वनली कैन ओनली राइट अबाउट वन्स लाइफ इफ वन वॉन्ट्स टू टेल द ट्रूथ, अदरवाइज व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मेमोर। आशा ने अपने मेमोर को लेकर कहा था, अगर कोई जानना चाहता है सच तभी उनकी जिंदगी के बारे में लिख सकता है वो, वरना जरूरत ही क्या है मेमोर की। जी हाँ, द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जो संजय खान का है, इसमें भी कई राज खुले। तो आज हम आपको आशा पारीक ने इसी पर जो तंज कसा था इस पर अपनी बात रखी थी, इस बारे में बताना चाहेंगे। आशा ने अपने मेंबर्स पर बात करते हुए कहा था कि अपने रिश्ते को लेकर उन्हें कोई पछतावा नहीं था कि वो प्यार में पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी भी नासिर का घर नहीं तोड़ना चाहा, ना ही उन्हें अपने पत्नी बच्चों से अलग होने को कहा, जिसके कारण उन्हें आज अपने आप पर फक्र है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।